पसंद आती है तो वो बिन बुलाए फिर वहाँ पहुँच जाएंगे. तो इज द गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ सब्सिडी और एनीथिंग टू ऑफर द शूटिंग कल्चर? Yeah, government is giving very close to 75% subsidy on your billings, but वो ये चाहते हैं कि उसके लिए फिर 75% जो shooting है उत्तराखंड state में हो. There are some norms, but मैं आप सब लोगों के माध्यम से जो बॉलीवुड को उत्तराखंड के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ उसमें सरकार के सपोर्ट के साथ साथ हमारा एक कमिटमेंट है कि हम सिलेज यानी कि सिटी और विलेज का कॉम्बिनेशन. सो फिल्म सिटी बसाने के लिए बहुत बड़े बड़े बजट चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी फिक्सिंग्स हो जाती है, पॉलिटिकल लॉबी हो जाती है उसमें. फिर जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो लॉबी है सिर्फ उन्हीं को ही मौका मिलता है. सो जो एक अंडरकरंट जो एक कम्युनिटी है जो सही में ऊपर आने के लिए कोशिश करती है, मेरा स्पेशली उस कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है. तो मैंने गैब्रियल को देखा तो इस मूवी के माध्यम से नशेबाज की माध्यम से ही फिल्म सिलेज का उस कंसेप्ट को जो मैं कुछ सालों बाद सोच रहा था लेकिन इंस्टेंटली चलो उसको किया जाए पैसा कमाने के लिए तो बहुत कुछ कर लिया है. और एज एग्रीगेटर मेरा कमिटमेंट है इस इंडस्ट्री के लिए कि नए नए आर्टिस्ट नए नए एडिटर्स और डायरेक्टर्स जो भी टेक्निकल टीम के लोग हैं वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन टाइप से भी हम चलाएँ, एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम रखें, आप लोग आप जैसे मेंटर्स उनको सिखाएँ, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हों, प्लस हम एक नई ब्रीड भी तैयार करें और एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट करें कि अगर कंसेप्ट अच्छा है, थीम अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है और मासेज में एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है और क्वालिटी सिनेमा है एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी और सोशल मैसेज के हिसाब से भी, तो कोई भी प्रोजेक्ट रुके ना. और फिल्म सिलेज के माध्यम से उस फिल्म सिलेज के प्लेटफॉर्म पर हम पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये नहीं बोले कि वो बॉलीवुड का कोई सब्स्टिट्यूट है, बट हम देहरादून फिल्म सिलेज को बॉलीवुड के सेकंड होम के तौर पे क्रिएट करना चाह रहे हैं और हमारी तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज हैं. सीमा आपसे गाने लिखना और कोई फिल्म लिखना कितना कितना चैलेंजिंग है, कितना अलग है दोनों काम? दोनों काम अलग तो है पर दोनों का बेस एक है कि दोनों में एक स्टोरी होती है. जब हम गाना लिखते हैं तो उसमें भी हमें वो एक कहानी होती है अपने आप में, और जो फिल्म है बस ये कि हाँ उसमें सीन्स होते हैं वो पूरी पूरी कंप्लीट दो घंटे की एक स्टोरी होती है, लेकिन गाने में हमें वो दो घंटे कहने पड़ते हैं. क्या सीमा की तरफ से एक जवाब में तुम? हाँ. गाना एक पेज का होता है, स्टोरी 150 पेज की होती है. फर्क ये सिर्फ कैसा अनुभव रहा आपका जो आपने ये मूवी लिखी है और अभी स्क्रीन पे उतरने जा रही है, तो उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताओ. मैंने इसके पहले एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी शेरू, जिसको अभी कुछ 15 कुछ इंटरनेशनल अवार्ड मिले. उसके बाद मैं चाहती थी कि मुझे एक फुल फीचर फिल्म लिखने को मिले और मुझे नहीं पता था मेरी चाहत इतनी जल्दी पूरी होने वाली है. मुझे गानों के लिए अप्रोच किया था संजोय जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इनके साथ मैंने पहले भी 2-3 फिल्में की हुई हैं. हम मिले गैब्रियल जी से, इन्होंने अपना स्टोरी सुनाया और मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी. फिर हुआ ये कि धीरे धीरे मैं भी इस पेज पर आई कि हाँ चलो लिखना है. अच्छा ये लगा कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ जो शायद अभी पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है, नशा. नशा है इसमें, मतलब टोटल सारी चीज़ें हैं, कैसे इमोशंस जो फैमिली के हैं आज, कैसे फैमिली एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, कैसे गैप आ रहा है रिलेशनशिप में. तो काफ़ी सारे एंगल्स पे हम लोगों ने काम किया और काफ़ी डीप हम लोगों ने हर एक एंगल पे बात की है बैठ के, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मज़ा आ रहा है. अच्छा, किस तरह का होमवर्क करना पड़ा क्योंकि अलग सा सब्जेक्ट है, तो काफ़ी कुछ आपको जो है रिसर्च करना पड़ा, तो क्या कुछ किया था? रिसर्च तो ऐसा इतना कि हाँ देखने में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कई सालों से. हम देख रहे हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे हैं, अभी का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ रहा है और नशा हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है. तो रिसर्च ये है कि हाँ देखने में हमेशा से आता रहा है. आप ये भी जानना चाहूँगा, फिल्म राइटर हूँ या लिरिक्स राइटर हूँ, आपको लगता है कि बॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जितना वो डिजर्व करता है कोई भी राइटर वो उनको मिलता है अपने करियर में? क्या आप ये मानते हैं कि जावेद अख्तर ने एक नई दिशा दी है राइटरों को, चाहे वो उनकी रॉयल्टी का जो दौर चालू हुआ है, जावेद अख्तर ने बड़ी लड़ाई लड़ी उस बात की, यहाँ से लेकर संसद तक, क्या आप मानती हैं कि एक नया दौर दिया है उन्होंने खास करके राइटर्स को,
और वो हमेशा कहते हैं जावेद साहब कि एक राइटर जो जो स्लीपर पहन के और झोला लेके घूमता है वो किसी भी बड़े स्टार से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं 2013 में मुझे पहली बार नवाजा गया था रेडियो मिर्ची अवार्ड से, तब जावेद साहब ही थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा बहुत दूर तक जाना है, तो बस उनकी ये बात मुझे याद थी। और वो हम सबके सीनियर रहे, उन्होंने नींव रखी हुई है हमारी इंडस्ट्री में, जो एक राइटर्स हैं उनको देखकर काफ़ी कुछ हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़े हैं आज तक भी। तो हाँ, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो हम सबके बहुत काम आ रही है और काफ़ी सारे दरवाजे उन्होंने खोले हैं। या भी फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहूँगा, या लीडिंग एक्ट्रेस, क्योंकि हर हर फिल्म का एक लव एंगल होता है, लव इंटरेस्ट, आपका लव इंटरेस्ट कौन प्ले करता है? मैं जो हमारी फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस हैं गीतांजलि शर्मा, मैं उनके जो उनका जो कैरेक्टर है, जो उनका एंगल है, मैं उसको बताना नहीं चाहता अभी, क्योंकि फिल्म बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बनाई जा रही है और ऑलरेडी मेरा जो मेन थॉट है वो सबके सामने है, तो कुछ चीज़ें मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए इसलिए कॉन्फिडेंशियल समझ लीजिए। हाँ नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन चाहता ही नहीं हूँ मैं दिल से कि वो अभी सब चीज़ें दिखाऊँ आपको, धीरे धीरे करके जब। बट मैं रिसर्च के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो आपने पूछा था, जब मैंने इस मूवी का पूरा डेप्थ में जाके स्क्रिप्ट को समझा, जो सीमा जी ने जो लिखा है और जो भी गैब्रियल ने, हम लोगों ने वैल्यू एडिशन किया है, गैब्रियल ने उस इनसाइट लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस को रिहैब सेंटर तक खुद जाके। अच्छा हाँ, इसमें कमाल का इंसिडेंट है, तो गैब्रियल नहीं बताना चाह रहा, मुझे नहीं मालूम, बट काफ़ी महीने वो खुद से रिहैब सेंटर में किसी तरह से एंट्री करके और वहाँ का पूरा फील लेने के बाद में उसने वहाँ से शुरू किया। हाँ, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए मैं रिहैब सेंटर में एक डेढ़ महीने रह के आया था कि वहाँ का एक्चुअली फील क्या है। वो पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह था और मेरा पूरा प्लान था उसमें रह जाके रहा। ये देखिए मेरा हाथ मतलब गूज़बम्प हो गया, मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है तड़पते हुए, मरते हुए, चिल्लाते हुए, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ होते हुए मैंने रिहैब सेंटर में देखा है। मेरा एक दो केसेस भी चल रहा है एक दो रिहैब सेंटर के साथ, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन अभी ये बात निकल के आई है तो मन भी नहीं कर रहा अब छुपाने का। लोगों बच्चों को वहाँ पे मारा जाता है, लिटरली लोगों को नंगा करके वहाँ पे मारा जाता है, वो सब नहीं दिखाना है इस फिल्म के अंदर, लेकिन वो जो जैसे एक जैसे हम लोग हम सभी इंसान इंसान हैं, हम लोगों के साथ जानवर की तरह वहाँ पे ट्रीट होता है। अगर सपोज जैसे मैं कोई नशे में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मेरे घर वाले मेरे आसपास के लोग मेरे को नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं ये सोच के, इस विश्वास पर कि रिहैब सेंटर जो एक रिहैब सेंटर जहाँ पे मेरा इलाज होगा और मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा, एक मेरी जो हमारी फैमिली किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास करके भेजती है कि हमारा बच्चा ठीक होगा, और वहाँ पे उसको तोड़ दिया जाता है, वहाँ पे उसको उसके साथ वो सब चीज़ें की जाती हैं जिसमें वो बाहर निकलने के बाद रिवल लेने की मेंटेलिटी से निकलता है। आज अब क्या शेड्यूल फिल्म का चालू हो चुका है और चालू हो चुका है तो क्या आगे क्या शूट करने वाले हैं? जैसे अभी इसका हमने एक शेड्यूल देहरादून में शूट किया है, एक फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग है जो हम यहाँ पे बॉम्बे में शूट करने वाले हैं आने वाले 10-15 दिन के अंदर में, तो उसी की अभी गाने का ही रिहर्सल्स वगैरह उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी सीनियर कोरियोग्राफर हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं उस गाने के लिए, तो उम्मीद है वो शायद सॉन्ग इस साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग शूट किया जाएगा और बेस्ट सॉन्ग क्रिएट किया जाएगा। गैब्रियल, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर अपने को सर्विस करना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या यू नो समवन हु कैन रियली एसोसिएट विद यू और आप उससे एसोसिएट हो सकते हैं तभी आपका करियर आगे जा सकता है? बड़ा प्रोडक्शन हाउस क्या होता है? जब मैं फिल्म बनाने आया था तब स्टार्टिंग में जब स्ट्रगलिंग टाइम पे तो मैं बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने बैठा रहता था, कभी उन्होंने शायद गेट के एंट्री भी नहीं अंदर भी नहीं आने दिया, तो मैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपने इस बड़े कॉन्सेप्ट के बीच में क्यों ऐड करूँ? मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा है, कोई प्रोडक्शन हाउस बड़ा नहीं होता। उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस बात के समर्थन में कि अगर कंसेप्ट में दम है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जो साइकोलॉजिकली इसमें हमने एनालिसिस किया है, जैसे छोटी सी चीज़ें, जब इंटॉक्सिकेशन के दौरान जब कोई भी इंडिविजुअल होता है, डिप्रेशन एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह से लोगों के लिए, लोग क्वेश्चन अपने आप से करते हैं क्या मैं डिप्रेशन में हूँ या नहीं हूँ, दैट इज़ नॉट दे आर नॉट प्रेजेंट टू इट। और जब वो इंटॉक्सिकेशन में होता है ही जस्ट लाइक ए सुपर हीरो, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है, एहसास नहीं है कि वो नशे की वजह से इतने हाइज पर है, और जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग है तो वो डिप्रेसेंट है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करके बहुत डीपली रूटेड कितना हैंडल विद केयर होना चाहिए उस समय में जब वो डिप्रेशन में है या नशे में है,
और हम किस तरह से रिहैब सेंटर्स में उनको लाइफ में झोंक देते हैं। तो बड़ा ही म्यूज़िक के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू, इन सिचुएशंस के थ्रू और मल्टीपल रिलेशनशिप्स के थ्रू, बिना किसी प्रीच प्रैक्टिस के, कि कम्युनिटी खुद से सोचे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड क्या हम बेहतर कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहूँगा, सीमा आपसे पूछना चाहूँगा और गैब्रियल आपसे भी, जैसे अभी नीरज जी ने बोला, इट ऑल्सो रिमाइंड मी ऑफ यू नो तारे जमीन पे, इससे पहले वो डिस्कशन का मुद्दा था ही कि ये किस तरह की बीमारी भी होती है जहाँ बच्चा हम बच्चे को दोषी ठहराते हैं लेकिन जबकि वो दोषी है नहीं, वो मासूम है। और ये मुझे लग, क्या क्या सीमा, गैब्रियल क्या और नीरज जी, आपको क्या, आपको नहीं लगता कि अब एक एक अडल्ट के पहलू से वो वही बात कहने जा रहे हैं? वो बात नहीं कर रहे लेकिन उस लीक की एक बात कह रहे हैं। सीमा, बीइंग अ राइटर, देखिए प्रॉब्लम हमें हमेशा ना, हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम ये नहीं पता लगाते कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। हम इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि नशा एक प्रॉब्लम है, हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो शुरू कहाँ से हुआ। जब लॉकडाउन खुला था तो शराब की दुकानों के आगे मीलों लंबी लाइनें लगी। तो मैं भी लगा था उस लाइन में। तो क्या आप, क्योंकि वो दिखाता है कि हमारी जो है वो सोसाइटी की मानसिकता क्या है, तो क्या आप इन चीजों को भी दिखाएंगे अपनी फिल्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं।